आज हम बात करेंगे 80-90 के दशक के हाईएस्ट पेड अभिनेताओं में से एक दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित अभिनेता की, जिन्होंने 5 दशक के करियर में बंगाली, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, उड़िया और भोजपुरी की 350 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है, जिनके डिस्को डांसर के गाने ने बच्चे से लेकर बड़े तक को नाचने पर मजबूर कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मिथुन चक्रवर्ती की। 16 जून 1950 को कोलकाता में जन्मे गौरांग चक्रवर्ती उर्फ मिथुन चक्रवर्ती ग्रेजुएशन की पढ़ाई के बाद नक्सल आंदोलन में शामिल हो गए, साथ ही कट्टर नक्सली बन गए। कुछ सालों बाद भाई की मौत के बाद घर के मुश्किल हालात देखकर मिथुन नक्सल आंदोलन छोड़कर अपने घर लौट आए। धीरे धीरे उनकी रुचि हिंदी सिनेमा की ओर बढ़ी। पुणे के फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान में से अभिनय सीखने के बाद वे काम की तलाश में मुंबई आ गए। पद्म भूषण से सम्मानित मिथुन चक्रवर्ती ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1976 में आई फिल्म मृग्या से की थी। अपनी पहली ही फिल्म के लिए उन्होंने नेशनल अवार्ड जीता था। उनके करियर का सुनहरा दौर 1982 में आई फिल्म डिस्को डांसर से शुरू हुआ। आपको बता दें कि 1989 में मिथुन चक्रवर्ती की 19 फिल्में रिलीज हुई थीं, जिनमें वो बतौर लीड एक्टर नजर आए। उनका यह रिकॉर्ड लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है। आपको बता दें कि मिथुन चक्रवर्ती को 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है और हाल ही में उन्हें दादा साहब पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।